हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली एक नई रेसिपी सूजी और आलू की। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। नई रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों मैं ये आधी एक कटोरी से भी कम मैंने लिया है सूजी। ये दो आलू है दोस्तों, एक बड़ा और एक छोटा। अब हम छिलने से इसको अच्छे से छील लेते हैं दोस्तों। इसको मैंने धो लिया है दोनों आलू को दोस्तों, अब इसको हम छील लेते हैं। आलू को छील के अच्छे से धो लिया है दोस्तों। अब इसमें एक हम थाली लिए हैं, अभी इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं आलू को। ये दोस्तों मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, अब मैं दूसरे आलू को भी कद्दूकस इसी तरह कर लेती हूँ। मैंने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है, अब इसको हम अच्छे से धो लेते हैं। दो पानी से हम इसको अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से दो बार पानी लेके इसको अच्छे से हम धो लेंगे। ये दूसरा बार धो रहे हैं दोस्तों, अब इसको अच्छे से धो के अच्छे से इसको हाथ के माध्यम से निचोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से निचोड़ के इसको अच्छे से अलग प्लेट में रखना है। इसको गैस पर मैंने एक पतीला रखा है, अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं। डेढ़ गिलास पानी डाला है, अब इसको गर्म होने देते हैं। एक प्याज काटी हूँ दोस्तों, कुछ लहसुन का कलियां, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया। पानी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम जीरा ऐड कर रहे हैं, चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, सभी चीजों को हम इसके अंदर डाल दिए दोस्तों। ये जो मैं दो आलू के कद्दूकस की हूँ दोस्तों, अब इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तेज आंच में इसको उबाल लेते हैं। उबाल आ गया है हल्का हल्का, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सूजी डाल के इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। इसको धीमा आंच में हम पका लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा डाल के। देखिए दोस्तों, पानी पूरा सोख लिया है, इसको हम एक दो मिनट तक और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। ये तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं दोस्तों। एक मैं बड़ा साइज का थाली ली हूँ, अब इसके ऊपर वाले हिस्से में हम तेल लगा लेते हैं। तेल ले लिया है हमने, ये रिफाइंड का तेल ली हूँ मैं। अब कुछ इस तरह से पूरे हिस्से में तेल लगा लेना है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, तब तक हम ये वाला तैयार कर लेते हैं। कुछ इस तरह से पूरे थाल में इसको फैला लेना है। मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है, अब इसको हम काट देते हैं। मैं यहाँ छोटा साइज में काट रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से बड़ा छोटा ले सकते हैं। अब इसको हम छान लेते हैं, इसको डीप फ्राई करना है दोस्तों।
इस तरह से मैं पलट लेती हूँ दोस्तों, दोनों तरफ से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। सभी हिस्सों को मैंने अच्छे से थाली में रख ली हूँ दोस्तों, और इधर हमारा ये छन रहा है, इसको हम दोनों तरफ से अच्छे से पलटा के और तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको हम मैं पलट रही हूँ, कितना अच्छा कुरकुरा बन के ये छन रहा है दोस्तों। ये देखिए, बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अच्छे से पक गया है दोस्तों, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें अखबार में रख रहे हैं दोस्तों, इसमें जितना भी ऑयल है अच्छे से अखबार सोख लेगा। अब इसको भी अच्छे से डाल देते हैं दोस्तों, और इसको भी छान के निकाल लेंगे। सभी हिस्से को अच्छे से छान के निकाल लेंगे और इसको फ्राई होने देते हैं। चटनी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ये हरा धनिया मैंने लिया है, इसको धोकर रख लिया है मिक्सर जाल में। एक हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक दोस्तों। अब इसको हम पीस लेते हैं। चटनी को हमने पीस के तैयार कर लिया है, अब इसमें हम निकाल लेते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक